हमारा नाम है अब्दुल मजीद, मैं SRTC का मुलाजिम हूँ रहा। 2020 में हम रिटायर हो गए हैं। 2020 से पहले जो लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ इसमें फोर्थ हो गए हैं, 1748 आदमी है टोटल, 1748 आदमी है टोटल, जिनका बकाया था 1.5 अरब रुपया। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि इसमें जम्मू वालों का 66 करोड़ रुपया है। 66 करोड़ रुपये पर पता नहीं वो किस ओहदे पर काम कर रहा है, वो इनका सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि उसने इनको लेटर दिलाई है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सीतारमन जी से, दिल्ली में से, दिल्ली भी ये लोग गए थे, दिल्ली से इनको लेटर दिलवाया गया। अब रसीदे हमने सुना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है जिसमें जम्मू वालों का रखा है, लेकिन कश्मीर वालों को इग्नोर कर रहा है। ये पता नहीं, अगर JK SRTC एक ही स्टेट है, जम्मू और कश्मीर एक ही स्टेट है, यूटी है, तो इसमें दो हिस्से क्यों कर दिए? आज जो बोर्ड मीटिंग हो रही है तो हमें अंदेशा है, खदशा है कि जम्मू वालों को ये पैसा छोड़, पहले भी कई दफा यहाँ प्रोटेस्ट किया है रसीदी, इससे पहले भी हमने एक प्रोटेस्ट किया जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमसे वादा किया था कि हम आपका नाम भी इसमें रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी के वादे पर हम रह गए, आज हम फिर आ गए। कल हमें अंदेशा हो रहा है कल से कि इन्होंने वहाँ पर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और मिनिस्टर्स ऑफ मीटिंग होते हैं उसमें हमारे, तो फिर वो बंदे जो जितने भी आला आयाल निकल के यहाँ आ जाएंगे और क्या करेंगे। अब चीफ सेक्रेटरी के कहने पर हम रुक गए थे, उसने आश्वासन दे दिया कि हम आपका काम करेंगे, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग रखी है तो हमने उसमें आपका नाम रखेंगे कश्मीर प्रोवेंस का, क्या जो कश्मीर प्रोवेंस। लेकिन जब यहाँ पर कश्मीर प्रोवेंस में किसी का सपोर्ट नहीं हमको मिलता है, उनको तो सपोर्ट मिल रहा है, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट कश्मीर वालों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 548 मुलाजिम है जिनका 6 पे कमीशन बकाया है, जिनका कोला एरियर्स बकाया है, जिनका DA बकाया है, जिनका लीव सैलरी ग्रेजुएटी जो डिफरेंस इन्होंने रखा वो बकाया है। ये 1748 मेंबरान का, और इसमें और भी होंगे, कुछ लोग मर गए हैं जिनके उनके घर का सहारा खत्म हो गया। अब उनका आला आयाल है, उनकी बीविया है, उनका खानदान है, जो इस वक्त मुसीबत के जद में है, वो काफी सफर कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या करके ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने वादा किया, हम आपको इसमें मदद करेंगे, आपको कोला हम दिलाएंगे। एक चीज कहा, कोला दिखाएं, बाद में देखेंगे, पेंडिंग जो रहेगा वो हम भी आहिस्ता आहिस्ता देंगे। लेकिन आज हमें खर्चा हो रहा है, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है खुदा के बगैर। अब हम फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वालों से भी ये कहता है कि आपको कभी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मेहरबानी करके हमारा सपोर्ट करें, हमें भी इसमें से नाम रखे और ये पेमेंट वागुजार की जाए।